दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो स्टॉक्स के बारे में। अडानी ग्रुप के दोनों ये स्टॉक्स जहां पर काफी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, साथ ही साथ ट्रेडिंग विंडो यहां पर भी क्लोज कर दी गई है, क्योंकि यहां पर भी अब हमें क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि आपने इन शेयर्स के अंदर खरीदारी कर रखी है तो क्या स्ट्रेटेजी अब आपको यहां पर लेकर चलना है, आइए जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले यहां पर अडानी पावर लिमिटेड के बारे में, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़ी गिरावट तो आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन पिछले एक साल में इस शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 150 प्लस के रिटर्न्स यहां पर कंपनी ने बना कर दिए हैं और इस कंपनी के शेयर के जो टारगेट प्राइस है वो भी लगभग 300 रुपए प्लस के निकल कर आ रहे हैं। बकरी के अडानी पावर के अंदर सबसे पहले की अपडेट निकल कर आ रही है, तो यहां पर भी ट्रेडिंग विंडो को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है इनसाइडर्स के लिए 1 जुलाई 2022 से, यानी कि अब बहुत जल्दी हमें अडानी पावर के भी क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट काफी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस भी यहां पर लगाई जा रही है। साथ ही साथ अडानी पावर को लेकर यहां पर कुछ बड़ी इंटरनल न्यूज देखने को मिल रही है कि कंपनी को यहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जिसके चलते अडानी पावर के अंदर हमें लगभग 300 प्लस के टारगेट विद इन अ वन मंथ यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपने यहां पर खरीदारी कर रखी है तो आप यहां पर अपनी पोजिशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहली न्यूज आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन MOU विद अडानी ग्रीन एनर्जी फॉर ₹60,000 crores इन्वेस्टमेंट टू सेटअप पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट 5 years। तो यहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए का एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर अडानी ग्रीन लगभग 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी आने वाले 5 सालों में। तो काफी बड़ा पावर प्रोजेक्ट समय यह साइन होते हुए देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ अडानी ग्रीन को भी इसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं अडानी एंड टोटल एनर्जीज ज्वाइन हैंड टू इन्वेस्ट $50 billion इन ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहां पर ये जो न्यूज निकल कर आई है, इसी वीक हमें ये न्यूज भी देखने को मिली है और इस न्यूज के चलते भी अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर्स काफी ज्यादा फोकस में रहते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। तो यदि आपने अडानी ग्रीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। वहीं अनदर कल लेट नाइट एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें इंडिया मेड रिकमेंडेशंस फॉर अडानी ग्रीन श्रीलंकन पावर बोर्ड की तरफ से ये अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसकी कंप्लीट न्यूज आप देख सकते हैं। द सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन अ सर्टिफिकेशन टू अ श्रीलंकन बिजनेस हैज सेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट रिकमेंडेड अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग विंड पावर प्रोजेक्ट्स इन मन्नर एंड पुनेरिम रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसी को लेकर हमें एक MOU भी साइन होते हुए देखने को मिल सकता है। और जो न्यूज़ यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर ये निकल कर आई है, इसका एक पॉजिटिव आउटकम्स कल के दिन यानी कि मंडे के दिन आपको अडानी ग्रीन की शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस होल्ड करते हुए चल सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के भी अगर आप वॉल्यूम बेस काम को देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर के अंदर भी लगभग 12 लाख क्वांटिटी ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिली है, जिसके सामने 3 लाख क्वांटिटी डिलेरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलेरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज लगभग 26% के करीबन का हमें देखने को मिल रहा है। 3000 प्राइस वाला शेयर अभी आपको 1900 रुपए में देखने को मिल रहा है, यानी कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर यह शेयर भी अभी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर SIP करने के पहले, यहां पर खरीदारी करने के पहले आपका विजन यहां पर क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन आने वाले 5 से 10 सालों का है तभी जाकर आप इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी पावर सेक्टर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है, तो आप अडानी पावर को अपने पोर्टफोलियो में एड करते हुए चल सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का यहां पर नोटिस निकल कर आ चुका है। आप देख सकते हैं 29 जून को ही कंपनी ने अनाउंस कर दिया था, जहां पर 1 जुलाई से जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो पूरी तरीके से अडानी ग्रीन के अंदर भी बैन कर दी गई है, यानी कि अब यहां पर जितने भी डेजिग्नेटेड पर्सन हैं अडानी ग्रीन, अडानी पावर या फिर बाकी किसी भी कॉरपोरेट्स के, तो वो अब इनसाइडर जो डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं वो अब यहां पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे खुद की कंपनियों के अंदर।
उसके पीछे का रीजन है कि शेयर की प्राइस को मैन्युपुलेट नहीं किया जाए उनके फाइनेंशियल रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो इसी कारण से सेबी ने ये रूल्स बनाया है और एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है उसे अडानी ग्रीन, अडानी पावर या फिर किसी और स्टॉक्स की शेयर प्राइस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपने अडानी ग्रीन या फिर अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस होल्ड करते हुए चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे अपने YouTube चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर पर एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए यहां पर आ चुकी है, तो उस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।